नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टीचर्स एजुकेशन कॉर्नर चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आए दिन किसी न किसी कारणवश हमें मानव संपदा पर छुट्टी लेने की आवश्यकता पड़ जाती है, चाहे वो कैजुअल लीव, मेडिकल लीव, चाइल्ड केयर लीव, मैटरनिटी लीव या अन्य कोई और अवकाश हो। छुट्टी लेते वक्त कई बार मानव संपदा पोर्टल सही से चल नहीं रहा होता है या फिर उसमें किसी अपडेशन कार्य की वजह से वेबसाइट बंद का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण कार्य जैसे सैलरी स्लिप और सर्विस बुक देखने में भी समस्या होती है। आज हम इन्हीं सभी समस्याओं का समाधान करते हुए एम स्थापना ऐप, जो कि विभाग द्वारा लॉन्च की गई है, इसकी मदद से यह सभी कार्य बहुत ही जल्दी और बिल्कुल आसान तरीके से सर्विस अनअवेलेबल जैसे कई और एरर के बिना करना सीखेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। सबसे पहले आप अपने फ़ोन में गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे और यहाँ पर सर्च बॉक्स में एम स्थापना टाइप करके सर्च करेंगे। सर्च करने पर आप इस ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल होने के बाद आप इस ऐप को ओपन करेंगे। यहाँ पर नीचे वेलकम कंटिन्यू टू लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यह स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर ऊपर सेलेक्ट डिपार्टमेंट पर टच करेंगे और जो भी आपका डिपार्टमेंट हो वह सेलेक्ट करेंगे। मैंने यहाँ पर बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर दिया है। इसी के नीचे जो आपका मानव संपदा की आईडी और पासवर्ड है वह नीचे के दोनों कॉलम में भर देंगे। इसके बाद आई एम नॉट अ रोबोट के साथ वाले चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने कैप्चा का एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर इसका आंसर लिखकर आप वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे और सबमिट टू लॉगिन बटन पर टच करेंगे। लॉगिन करने के बाद अगली स्क्रीन पर आपको तीन ऑप्शन दिख जाएंगे, लीव मैनेजमेंट, सैलरी स्लिप और सर्विस बुक। पहले सर्विस बुक वाले मॉड्यूल को देखते हैं। यहाँ पर आपको अपनी सर्विस बुक के कुछ अंश दिख जाएंगे, जैसे पर्सनल डिटेल्स, उसके अगले वाले कॉलम्स में एड्रेस डिटेल्स और आपकी एजुकेशन डिटेल्स भी आपको देखने को मिल जाएंगी। अगर इसमें कुछ भी मिस्टेक हो तो आप अपने ब्लॉक के ऑफिस में जाकर ठीक करवा सकते हैं। अब ऊपर बैक एरो के बटन को प्रेस करके हम पीछे आ जाते हैं। यहाँ पर सैलरी स्लिप के ऑप्शन को टच करते हैं। अब सेलेक्ट मंथ एंड ईयर में आप मार्च 2021 से अपनी सैलरी स्लिप देख सकते हैं, क्योंकि मार्च से ही ऑनलाइन पेरोल मॉड्यूल लागू किया गया था। यहाँ पर मैंने मार्च 2021 सेलेक्ट कर दिया है। अब गेट सैलरी स्लिप पर टच करते हैं। आपके सामने आपकी सैलरी स्लिप आ जाएगी और ऐसे ही आप आगे के महीनों की सैलरी स्लिप भी देख सकते हैं। चलिए अब बैक करके सबसे महत्वपूर्ण लीव मैनेजमेंट मॉड्यूल सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर ऊपर वेलकम, आपका नाम और पोस्ट लिखी आ जाएगी। इसी के नीचे सात ऑप्शंस दे रखे हैं, एक एक करके इनको देखते हैं। ये सारे ही ऑप्शंस आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए सही से समझने के लिए वीडियो स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले ऑप्शन सेट चेंज रिपोर्टिंग ऑफिसर में अगर आपने रिपोर्टिंग ऑफिसर नहीं बनाया है या चेंज करना है तो आप डिपार्टमेंट वाइज या मानव संपदा की आईडी द्वारा सर्च करके इसको सही कर सकते हैं। आप सभी ने अभी तक रिपोर्टिंग ऑफिसर बना ही लिए होंगे, इसलिए ज़्यादा डिटेल में मैं आपको यहाँ पर करके नहीं दिखा रहा हूँ। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगले ऑप्शन अप्लाई फॉर लीव ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर ऊपर आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर का नाम लिखा आ जाएगा। उसके ठीक नीचे सेलेक्ट लीव टाइप में आप इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको बहुत सारी लीव के ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कैजुअल लीव, मेडिकल लीव, अर्नड लीव आदि। अर्नड लीव कैसे और कितनी मिलती है के बारे में एक बहुत ज़रूरी आदेश है जो ज़्यादातर शिक्षक साथियों को नहीं पता है। उसके बारे में आपको मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इन सब छुट्टियों के अलावा लेडीज़ के लिए चाइल्ड केयर लीव, मैटरनिटी लीव, अबॉर्शन लीव आदि भी होती हैं, जो सिर्फ लेडीज़ की मानव संपदा आईडी पर ही दिखेंगी। उनको भी आप यहाँ से सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर अभी कैजुअल लीव को सेलेक्ट करा है। उसके बाद डेट सेलेक्ट करेंगे और ग्राउंड में पहले से ही कुछ रीज़न लिखे आ रहे हैं, आप इनमें से जो भी छुट्टी का कारण हो वह सेलेक्ट कर लेंगे। अब प्रीफिक्स में अगर आपके छुट्टी लेने से पहले वाले दिन कोई अवकाश हो तो उसे आपको यहाँ पर लिखना होगा। जैसे अगर आपने सोमवार को अवकाश लेना है तो इससे पहले रविवार की छुट्टी है तो आपको प्रीफिक्स में एक लिखना होगा। ऐसे ही सफिक्स में अगर आपकी छुट्टी के बाद
जिस दिन आपको ज्वाइन करना है उस दिन कोई अवकाश नहीं है तो आप जीरो भर देंगे, पर अगर कोई अवकाश है तो आप उसके हिसाब से एक या दो जितने भी दिन हो वह भर देंगे। अब डॉक्यूमेंट में कैजुअल लीव लेने पर कुछ अपलोड करने की जरूरत नहीं होती है, मगर आपने इसके अलावा कोई भी लीव जैसे मैटरनिटी लीव, CCL आदि लेना है तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। अब सब डिटेल्स फिल करने के बाद सबमिट के बटन को प्रेस करते ही आपकी लीव एप्लीकेशन आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास पहुंच जाएगी। चलिए अब अगले ऑप्शन चेक स्टेटस को देखते हैं। यहाँ पर आप मंथ और ईयर सेलेक्ट करके आपने जो लीव जिस महीने में ले रखी है वह दिख जाएगी। इसके अलावा आप अपने लीव का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि आपने जो लीव अप्लाई करी है वह अभी तक अप्रूव हुई है या नहीं। अगर आपने किसी मंथ में कोई लीव नहीं ली है तो एक मैसेज पॉपअप होगा, नो लीव फाउंड फॉर द मंथ। अब नेक्स्ट ऑप्शन व्यू लीव रिक्वेस्ट और व्यू लीव ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट है टीचर्स, इंचार्ज टीचर्स, ABSC और BSC के लिए है। यहाँ पर जो भी लीव अप्लाई होगी वह उनको यहाँ से अप्रूव या रिजेक्ट कर सकते हैं, और ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट में जो लीव वह अप्रूव करेंगे उसके बाद कैजुअल लीव को छोड़कर बाकी छुट्टियों की ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट अप्रूव या रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर कोई भी लीव पेंडिंग नहीं होगी तो नो पेंडिंग लीव रिक्वेस्ट लिखा आ जाएगा। अगला कॉलम चेक लीव बैलेंस देखते हैं। यहाँ पर आपकी जो भी लीव का बैलेंस है, कैजुअल लीव, मेडिकल लीव, CCL आदि, उनकी बची हुई संख्या की डिटेल शो हो जाएगी। अगर आपने कैजुअल लीव के अलावा मेडिकल लीव, CCL, मैटरनिटी लीव आदि कोई भी छुट्टी ले रखी होगी तो आपको सेंड लीव ज्वाइनिंग पर क्लिक करके अपनी ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजनी होगी कि किस दिन आपने ज्वाइन करा। कैजुअल लीव में कोई भी ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजने की आवश्यकता नहीं होती है। अब सबसे महत्वपूर्ण अर्नड लीव्स EL के बारे में जानते हैं। बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपको हर साल एक EL मिलती है, तो आपने जितने भी वर्ष इस डिपार्टमेंट में नौकरी की है उतनी ही EL आपको मिलेंगी। जानकारी न होने की वजह से आपके मानव संपदा पोर्टल पर इनकी संख्या अपडेट नहीं हुई होगी, तो इसलिए आप सब अपनी लीव बैलेंस चेक करिए और अगर EL अपडेट नहीं हुई है तो ब्लॉक स्तर पर इसे अपडेट करवा लीजिए। एक बात और, अर्नड लीव आप अपनी पूरी जॉब में कभी भी ले सकते हैं। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।